उत्तराखंड में आबकारी नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज भी आबकारी विभाग टैक्स चुकाने के लिए लाइसेंस धारकों को नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है। दरअसल कोरोना के दौरान पूर्व में सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही व्यापारिक तबके को टैक्स में राहत देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन आबकारी विभाग आज भी टैक्स चुकाने के लिए लाइसेंस धारकों को नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि सरकार ने पूरे देश भर में एक नियम लागू किया था तो उसका पालन होना चाहिए, बेहद जरूरी था, लेकिन आबकारी विभाग में चंद अधिकारी पैसे की डिमांड करके लाइसेंस धारकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि सरकार व्यापारिक तबके के लिए किस तरह की सोच बनाए हुए हैं। तो देहरादून से खबर, कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है, करण माहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधा है, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, लाइसेंस धारकों का उत्पीड़न हो रहा है ये कहा जा रहा है, पैसों के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, टैक्स के लिए लाइसेंस धारकों को भी परेशान किया जा रहा है। तो बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि लाइसेंस धारकों को भी परेशान किया जा रहा है, नोटिस पर नोटिस भेजकर जिनके पास लाइसेंस है लाइसेंस धारकों का उत्पीड़न हो रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। प्रेस में कह रहा हूं इतनी बड़ी बात को, मैं कह रहा हूं कि जब सरकार ने एक नियम बनाया है कि जितने घंटे कोई दुकान खुलेगी उतने ही घंटे का अधिभार लिया जाएगा, तो उत्तराखंड में इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? और पालन इसीलिए नहीं हो रहा कि इलीगल डिमांड्स हो रही हैं। मेरा ये मतलब है पूरे देश में लागू हो गया, उत्तराखंड अपवाद है भाई। वो चाहे किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहा है, अधिभार दे रहा है गवर्नमेंट को ना, पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उसके अधिकारों की रक्षा करना भी हम लोगों का काम है। हम ये कह रहे जब पूरे देश में एक नियम लागू है तो उत्तराखंड में अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?